छत्तीसगढ़ सरकार के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था का कई स्थानीय नेताओं ने मुआयना किया और तमाम विसंगतियों को दूर करवाने का आश्वासन किसानों को दिया गया। प्रदेश सरकार के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को देखने के लिए जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना, जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पदलाम नाग एवं जनपद उपाध्यक्ष व भाजपा नगर नार मंडल के अध्यक्ष सुब्रतो विश्वास, जगदलपुर विकास खंड के नगर नाग क्षेत्र में आने वाले बाबू सेमरा, माड़पाल, मारकेल, नगर नार सहित हलबा कचोर थान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। लगभग सभी धान खरीदी केंद्र में किसानों ने पूर्व विधायक बाफना से वर्तमान सरकार द्वारा उनका रकबा घटा देने व धान खरीदी केंद्र में बारदाने की कमी एवं नए बारदाने की जगह फटे पुराने बारदाने दिए जाने की शिकायत की। पिछले वर्ष के धान का पूरा समर्थन मूल्य राज्य सरकार द्वारा अब तक नहीं दिए जाने की भी परेशानी से भी इन नेताओं को अवगत कराया गया। इस दौरान पूर्व विधायक ने किसान भाइयों से बात करके उनकी समस्याओं को सुनने के पश्चात उनकी परेशानियों को दूर करने जिले के उच्च अधिकारियों से बात करने का भी आश्वासन दिया। अध्यक्ष जी के द्वारा आज निर्धारित कार्यक्रम में हम लोग सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धान खरीदी केंद्रों के जो किसान हैं, किसानों को जो परेशानी हो रही है, बारदाने की परेशानी, टोकन की परेशानी और तौल की परेशानी, इसके दृष्टि से हम लोग भ्रमण के लिए निकले हैं और लोगों से मिलकर उनकी समस्या को जानने का प्रयास किए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।